दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो V29 5G मोबाइल या फिर कोई दूसरा जो है वीवो का फोन है आपके पास, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिंगरप्रिंट का एनिमेशन चेंज कैसे किया जाता है। यानी आपको इस तरह का फिंगरप्रिंट दिख रहा होगा और जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ तो थोड़ा गोला गोला दिखाई देता है, तो ये एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं, अपने मन पसंद का लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन होने के बाद डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकन मिल जाते हैं, यहाँ पर आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तरह तरह के दोस्तों आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, जो भी आपको इनमें से एनिमेशन पसंद है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यही जो है फिंगरप्रिंट एनिमेशन लग चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन ऑफ किया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं टच करूंगा देखिए किस तरह का हुआ। इस तरह से आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन इस मोबाइल में आप चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से।